लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने सभी 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को मुंगेर से टिकट दिया गया है, जबकि लवली आनंद को शिवहर से मैदान में उतारा गया है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 4 नए चेहरों पर दांव खेला है। भागलपुर से अजय मंडल को टिकट मिला है। 16 प्रत्याशियों की इस सूची में 6 ओबीसी और 5 अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, 1 महादलित, 1 मुस्लिम और 3 उम्मीदवार सवर्ण वर्ग के हैं। बता दें आपको कि एनडीए के साथ हुए सीट बंटवारे में जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। आज आदरणीय वशिष्ठ भाई ने जनता दल यूनाइटेड के हिस्से में जो 16 सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मिला था, वो 16 सीटों के लिए सूची जारी कर दी। एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में आप लोगों ने देखा कि सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक कोई परेशानी नहीं, पूरी एकजुटता है। तो बिहार में इसको लेकर क्या हलचल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। शशि भूषण का रुख करेंगे, बिहार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा आप सभी को अपडेट करने के लिए। शशि, जो टिकट बंटवारा हुआ है, पार्टी ने जो जिन चेहरों पर दाव खेला, इसकी बड़ी बातें क्या रही हैं? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने अपने पूरे जो उम्मीदवार हैं, 16 उम्मीदवार उनको उतारने हैं मैदान में, और उन्होंने वो उम्मीदवार अब मैदान में उतार दिए हैं। जो आधिकारिक घोषणा है वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने आज कर दी है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। 16 में से जो 13 चेहरे हैं वो वही चेहरे हैं जो पिछले चुनाव में थे, और उन 13 चेहरों में से 12 जो हैं वो सिटिंग सांसद हैं। एक किशनगंज में मुजाहिद आलम को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो चेहरे हैं वो वही हैं। जो बदले गए हैं चेहरे, जिनका टिकट कटा है, सबसे पहले उनकी चर्चा कर लेंगे आशुतोष, तो जो सिवान से कविता सिंह मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं जेडीयू की, उनकी जगह विजय लक्ष्मी को उतारा गया है। कविता सिंह राजपूत बिरादरी से आती थी, इस बार वहां कुशवाहा जाति के उम्मीदवार उतारे गए हैं। मतलब विजय लक्ष्मी जो है वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके नेता हैं। रमेश कुशवाहा उनकी पत्नी हैं, कल ही उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली थी, तो उनको वहां उम्मीदवार बनाया गया है। शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद उम्मीदवार हैं, जैसा आप दर्शकों को बता रहे थे। और बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो सीतामढ़ी से चुनाव मैदान में है। तो एक तो शिवहर की सीट जो पहले बीजेपी के पाले में थी, वहां से रमा देवी मौजूदा सांसद हैं, वो सीट एडजस्टमेंट में, मतलब एलआई एडजस्टमेंट में चली गई थी जेडीयू के पाले में, तो एक वहां पे सिंबल कटा, मतलब टिकट कटा रमा देवी का। दूसरे जो सीतामढ़ी से मौजूदा सांसद हैं जेडीयू के, सुनील कुमार पिंटू, उनका टिकट पहले से तय माना जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा, तो उनका टिकट कटा है, देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिला है। जो पूरा हम समीकरण देखते हैं उसमें जेडीयू ने बहुत रिस्क नहीं लिया है। ये सीधे सीधे मान के चला जाए कि जेडीयू अपने चेहरों को नहीं बदल के एक जोखिम नहीं मोल लेना चाहती थी, और यही वजह है कि जेडीयू ने पुराने चेहरों को ज्यादा रिपीट किया है। भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, बिहार में नीतीश कुमार के साथ उनकी जो बाउंडिंग है, केमिस्ट्री है, जो नेचुरल अलायंस है एनडीए का जेडीयू और बीजेपी का, उसके भी बूते उनको लग रहा है कि जो पुराने चेहरे मैदान में उतरे हैं उन चेहरों को जीत में कोई दिक्कत नहीं होगी, और यही वजह है कि 16 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें 3 नए चेहरे हैं। आशुतोष, बिल्कुल, शशि आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन आपका हम रुख करते हैं दोबारा।